अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू लेके आई हूँ। मुझे उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ हुए हैं और आप यकीन कीजिए कि अच्छा रिजल्ट उसका मुझे मिला है। हालांकि मुझे इसके रिव्यूज़ इतने ख़ास नहीं मिले थे, सब कह रहे थे बस ये नॉर्मल इफ़ेक्ट देता है, लेकिन मुझे अच्छा इफ़ेक्ट दिया। जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो यूज़ कर रहे थे इस प्रोडक्ट को, तो उन्होंने कहा कि बस ये नॉर्मल सा इसका जो है ना रिव्यू है, यानी कि नॉर्मल इफ़ेक्ट देता है। अच्छा जी, ये है एच एन ब्यूटी का कैफ़ीन सीरम। ठीक है जी, कैफ़ीन बेसिक जो है ना, ज़्यादातर कैफ़ीन सीरम्स जो है ना वो आई सर्कल्स, आई डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ होते हैं कैफ़ीन सीरम्स जो आते हैं। कैफ़ीन क्या चीज़ है, हमारी कॉफ़ी के बीच में एक ऐड होता है कैफ़ीन, उसमें चाय या कॉफ़ी में, तो 5% उन्होंने इसमें डाला हुआ है। और साथ हाइड्रेशन के लिए, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। एंटी रिंकल है, एजिंग की वजह से जो हमारे फेस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं उसके लिए, और साथ आपकी स्किन को फर्म करता है बहुत अच्छे तरीके से। अब देख लेते हैं, है ये चाइना का प्रोडक्ट, मेड इन चाइना। एच एन ब्यूटी की 2-3 प्रोडक्ट्स में और भी यूज़ कर रही हूँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसका रिव्यू भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। लेकिन ये जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मुझे शुरू में तो कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले। 10 डेज़ हो गए तो मुझे लगा कि ये जो सब कह रहे हैं कि बस ये नॉर्मल सा है, तो मैं भी ये समझी कि नॉर्मल है। लेकिन जब 10-15 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना, मेरी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आना शुरू हो गया और मेरी जो है ना स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइजर और हाइड्रेट हो गई, और रिंकल्स का भी जो इम्पैक्ट है ना वो हल्का हल्का जो है ना, वो जो ख़ास तौर पे आई एरिया के नीचे होता है, जो डार्क सर्कल्स के एरिया पे फाइन लाइन्स होते हैं, उनमें काफ़ी फ़र्क मुझे लगा। लिहाजा मुझे तो ये सीरम अच्छा लगा। ये अब आपकी यूज़ करने पर है कि आप लोग कैसे यूज़ करते हैं और आपको किस तरह का लगता है। देखिए जी, ऑल्ड स्किन टाइप्स के लिए ये है, इस तरह की ये उसकी बॉटल है, सॉरी इसका ये पैकिंग है, और बॉटल इसकी है जी इस तरह की ड्रॉप बॉटल। ठीक है जी, इस तरह की ये ड्रॉप बॉटल है और अच्छा रिजल्ट है। फ्रेग्रेंस भी इसकी अच्छी है, बहुत ज़्यादा हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है जो कॉफ़ी की एक कैफीन की वजह से आती है, वो चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी इसकी फ्रेग्रेंस है। और इसको आपने यूज़ कैसे करना है, इसी तरह जैसे आपने अच्छी तरह फेस को क्लिंस करना है, फेस को क्लिंस करने के बाद 2-3 ड्रॉप्स आपने लेने हैं इस तरह से। ठीक है, ठीक है, और लाइटर हैंड से आपने अपनी स्किन पे करना है। एंटी रिंकल है, बहुत अच्छा स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, पोर्स मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन की स्किन में जो कोलेजन एक प्रोटीन होती है वो टाइम के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है फेस में एजिंग की वजह से, यानी कि एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो उसको रिपेयर करता है आपकी स्किन को, और कॉलेजन की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत फ्रेश लुक और ब्राइट और ग्लो आता है आपके फेस पे। साथ साथ रिंकल्स आपको पता है उसको रिमूव करता है, और साथ आप मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। तो अब यह है कि आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि अच्छा यह हाइड्रेट करता है। अगर तो आपको मेरी कैफ़ीन सीरम के बारे में वीडियो पसंद आई है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं अगला किस प्रोडक्ट पर रिव्यू करूँ और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।